तो गाइस, जैसा कि मैं बात कर रहा था अभी इस जो है वायरलेस माइक की, उसकी मैं अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ। अनबॉक्सिंग का मसला ऐसा है कि मैंने अमेज़ॉन से मंगाया था और वहाँ पे कैसा है, मैंने थोड़ा सा इसको ओपन करके देख लिया था कि परफेक्ट मेरे को प्रोडक्ट मिला है या नहीं मिला है, तो इसलिए ये इसकी पन्नी जो है वो निकल गई है। और अभी फ़िलहाल इसको हटा देते हैं और अभी ये आप देखोगे तो ये परफेक्ट प्रोडक्ट है। इसको अपन ओपन करते हैं, उसके बाद इसमें जो है एक यूज़र मैनुअल मिल जाता है, इसके अंदर सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है। उसके बाद पैकिंग कुछ इस तरीके से है और पैकिंग काफ़ी अच्छी करके दिए हैं ये लोग, एक बढ़िया सा रबड़ लगाए हैं। और अभी ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट है, ये है हमारा फाइनल प्रोडक्ट। और अपन इसके अंदर देखते हैं तो दो जो है ये माइक है, एक और ये दो, और एक जो है ये रिसीवर है, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट देखने में अच्छा लग रहा है और क्वालिटी भी ठीक ठाक है। क्या बोलते मनोज भाई, क्वालिटी अच्छी है ना? क्वालिटी जो है वो ठीक ठाक है। और उसके साथ जो है हमको एक और बॉक्स मिला हुआ है जिसके अंदर इसका चार्जर सी पिन है, इसको अपन बाहर निकाल लेते हैं। एक सी पिन है, सॉरी हाँ दो सी पिन है और एक आईफोन के लिए, अब इसको कौन सा पिन बोलते हैं नहीं मालूम लेकिन आईफोन के लिए है ये। तो ये तीन पिन मिल जाता है और एक ये केबल, यूएसबी केबल, दो चार्ज करने के लिए इसमें ऑप्शन जो है वो दो दिया हुआ है। एक फ़ोन जो है चार्जिंग में लगा करके दोनों को एक साथ चार्ज कर सकते हैं। और इसकी जो है ना टाइमिंग 10 घंटे की इसके ऊपर लिखी हुई है। अभी फ़िलहाल में ये प्रोडक्ट जो है मैं आपको यूज़ करके बताऊंगा कि ये इसका क्या जो है बैकअप निकल के आ रहा है, कितने घंटे ये चल रही है, तो और इसकी आवाज़ कैसी है। अभी फ़िलहाल जो ये ऑडियो रिकॉर्ड हो रही है मेरी, ये नॉर्मल फ़ोन के माइक से हो रही है। इसके बाद वाली जो रिकॉर्डिंग आप सुनेंगे वो मैं ये वायरलेस माइक से करूँगा और उसके बाद आपको पता चलेगा कि दोनों में डिफरेंस कितना है। तो फ़िलहाल अभी मैं इसको कर लेता हूँ सेटअप और उसके बाद आपको बताता हूँ कि इसकी आवाज़ कैसी आपको दिखती है, ठीक है।